Hey. Fucking trigger! Trevor! Fuck! You got nowhere to go, boyfriend! Right, right. Get out the fucking car! I told you! He ain't my Gila! Don't try to persuade me, you're not lovers! He's laughing at you, you fucking idiot! You're making a mistake! It costs a lot of money to track you down. I recorded every favor I could in the Midwest. And then you killed several good men. Good day, huh? Good day. Good fucking day to you! Kill him! Hey, Kevin Phillips isn't coming. Whoa! No, hey! What's up, homie, huh? ट्रेवर को बुलाया था और ट्रेवल मेरे घर पे पहुंच गया, मैं ट्रेवल घर पे पहुंच गया। तो मैंने बोला अभी भाई तू मेरे घर पे रुका रहा है, मैं ही आ रहा हूँ वहाँ पे। तो मैं अभी फरारी को लेकर लॉस सेंटोस ही जा रहा था। खैर भी ना मैं आपको इसके कंट्रोल दिखा देता हूँ भाई सब। इसकी स्पीड के साथ साथ ना जब मैं देखना ब्रेक लगाऊंगा इसका स्पॉइलर देना उठ जाएगा। यदि ब्रेक लगाऊंगा स्पॉइलर दे उठ जाएगा भाई सीधा। अलग ही भाई नेक्स्ट लेवल से कंट्रोल है, मतलब भागते भागते कैसे भी ड्रिफ्ट मारो आराम से भाई फुल कंट्रोल में रहती। खैर अभी जल्दी से चलते हैं लॉस सेंटोस और ड्राइव किस में अपनी फरारी को भागते भागते आ चुका हूँ माइकल के घर लॉस सेंटोस में, जहाँ पे ट्रेवर हम लोग का वेट कर रहा था। ट्रेवर को मैंने कॉल लगा के पूछा था यार, लेकिन अभी ना उसकी कॉल लग नहीं रही थी। उससे पता नहीं मुझे वो मेरे घर ही पे कहीं घूमने उमने चला गया भाई, उसका कुछ ठिकाना नहीं है। कि अपनी फरारी भाई देखते हैं अंदर ट्रेवर है कि नहीं है, बाकी का अपनी बात देखते। ये देखो माइकल को अभी भी हेलमेट लगाए हुए रखा है एकदम से। खैर अभी मैंने बाइक लेके गया था तो उस जबी का हेलमेट लगा, कार में भी हेलमेट लगा के बैठ गया था, पूरी सिक्योरिटी चल रही थी। खैर अंदर देखते हैं ट्रेवर अंदर है या नहीं। यहाँ पे तो भाई नहीं है ट्रेवर अंदर, वरना वो बिना वेट करता यहाँ पे। यहाँ पे भी नहीं है कहीं पे भाई, है कहाँ पे ट्रेवर पता नहीं भाई कहाँ पे है ना। चलो जब तक ना हम लोग वेट कर लेते हैं ड्राइवर का आराम से भाई। इस बार ना माइकल का फिर था थक चुका है, ड्राइवर के घर तक गया था। ऑल राइट भाई ड्राइवर यहाँ पे आ चुका है, ये देखो भाई ये बंदा ही है लेकिन नाटक है। चलो भाई पूछते हैं भाई इससे आके इसने मैं यहाँ मतलब आके इसे हमसे क्या जरूरी बात करानी थी जिसके लिए भाई इसने हम लोग को इतना ज़्यादा बुलाया परेशान किया। खैर भाई ड्राइवर से पूरी आपको ना कन्वर्सेशन बता देता हूँ दोनों के बीच की। ट्रेवर भी बोल रहा है कि हम लोगों ने कितनी ज़्यादा रॉबरी करी सब कुछ करा। माइकल बोला है हाँ करी तो थी। ट्रेवर बोला है सारी मतलब कार वार हम लोगों ने ली, रॉबरी करी, सारा पैसा लिया। माइकल बोला है सब कुछ तो हम लोगों ने रॉबरी की। नहीं ट्रेवर बोला है लेकिन उनमें से मुझे क्या मिला, सब कुछ तो तुमने और फ्रैंकलिन ने रख लिया लेकिन मुझे क्या दिया उसमें से। भाई ट्रेवर ना गुस्से में है इस वक्त में, वो बोल रहे हैं रॉबरी हुई इतनी सारी मिलियनों डॉलर की, कार चोरी हुई लेकिन तुम लोगों ने मुझे क्या दिया, क्या दिया मुझे तुम लोगों ने, सब कुछ तुमने फ्रैंकलिन और लेस्टर ने रख लिया, मुझे एक चीज़ नहीं मिली, सिर्फ एक सुपर कार दी मुझे, क्या मैं उसी का हकदार हूँ। भाई साहब ट्रेवर ना पूरा गुस्से में इस वक्त को, माइकल ना सुने ही जा रहा है ट्रेवर की एकदम। ट्रेवर भाई पूरा सुना रहा है माइकल को, माइकल ना घंटा भाव नहीं दे रहा ट्रेवर को। चलो भाई माइकल भी बोल नहीं पाया, माइकल बोला है तुम्हें क्या नहीं दिया भाई, तुम्हारी जितना रॉबरी में पार्टनरशिप थी तुम्हें मैंने उतने पैसे दिए, लेकिन तुम उसे क्लब व्लब में उड़ा दो तो उसमें तुम्हारी क्या मेरी क्या गलती। ट्रेवर बोल रहा है तुमने जितने मुझे पैसे दिए क्या उतने तुमने और फ्रैंकलिन ने लिए हैं, मतलब ट्रेवर को हम लोगों ने। हाँ भाई जैसे अगर हम लोगों ने 100% लिया तो हमने उसका 15% ट्रेवर को दिया, तो यार गुस्सा तो ट्रेवर का भाई मानना पड़ेगा है भाई। लोग माइकल भी भाई पूरा गुस्सा हो चुका है इस वक्त ट्रेवर पे। भाई ये ट्रेवर क्या बोल रहा है, ट्रेवर बोल रहा है कि बहुत टाइम पहले 19-20 साल पहले भाई लेस्टर ट्रेवर और माइकल फ्रैंकलिन और एक बंदा और देव, उन लोगों ने भाई क्या किया था, एक बंदे को मारकर एक बैंक में एक बंदे को मारकर भाई एक बहुत ही वर्ल्ड का बहुत ही खतरनाक सा एक मतलब हीरा एक बंदे की डेड बॉडी में छुपा के ग्रेवियर में दबा दिया था उसे, ताकि जरूरत आने पर वो लोग स्मगल को बेच सके। लेकिन ट्रेवल बोल रहा है कि वो उस हीरे को ले लेगा क्योंकि उसकी जितनी रॉबरी हुई वो सारी कीमत वो हीरे से वसूल कर लेगा। माइकल भड़क चुका है इसी बात पर। ट्रेवल कह रहा है मतलब मैं हीरा भी नहीं लूँ और पैसे भी नहीं लूँ, मतलब तुम लोग सब ले लो मुझे कुछ नहीं मिला। भाई ट्रेवल भाई पूरा गुस्से में आ चुका है इस वक्त पर, ये देखो आँखें लाल है भाई ट्रेवल की पूरी। भाई वो ना थोड़ा सैड भी हो चुका है गुस्से में ये भाई ट्रेवर ना, ट्रेवर मानने वाला नहीं बोला, वो जा रहा है इसी वक्त नॉर्थ यंगटन और वो उस ग्रेवयार्ड से वो हीरा लेके बेच देगा और अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारेगा, क्योंकि ट्रेवर को आगे चोरी नहीं करनी है, ना ही वो चोरी के लायक बचा है इतना कि वो पूरी ज़िंदगी भर चोरी कर सके, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है और तुम लोग भी मेरी कुछ मदद कर नहीं रहे हो कि मैं आगे के लिए कुछ कमाऊँ। तो भाई ट्रेवर तो पूरा गुस्सा होकर नॉर्थ यंगटन के लिए निकल गया और माइकल भी भाई सब नॉर्थ यंगटन के निकल रहा है। भाई ट्रेवर को रोकना पड़ेगा हम लोग को पहले, तो रुक जा भाई ट्रेवर रुक जा, ये ट्रेवर भाई मानने वाला नहीं, मेरी कार लेके चला गया भयंकर। मुझे भी ये जल्दी से अपने देवेश को मैंने फ़ोन लगा दिया है, अपनी फ्लाई में बैठो और निकलो भाई यहाँ से जल्दी से, ना रोकना पड़ेगा ट्रेवल। अगर भाई ये नॉर्थ यंगटन चला गया और उसने उस ग्रेवयार्ड को खोल दिया तो पता है क्या होगा, जिस गैंग के इलाके में वो रखा है भाई वो गैंग भी यार हम लोग तो पूरी दुश्मनी ले लेगी,
कि भाई साहब हम सब लोग की जान खतरे में पड़ जाएगी, मेरी लेस्टर फ्रैंकलिन की। जल्दी से जा रहे हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पर जहाँ पे ट्रेवर भाग रहा है। भाई मैंने ट्रेवर को रास्ते में भी रोकने की कोशिश की, लेकिन भाई उसने कार को काफी ज्यादा स्पीड में भगाया खेल। तो मैं जल्दी से आ चुका हूँ लॉस सैंटोस एयरपोर्ट में, पहुंचने ही वाला हूँ अपनी पूरी फरारी को पूरी स्पीड में भाई भगाते भगाते। ड्राइवर ना भाई हमसे बहुत ही ज्यादा आगे है, उसने ना रास्ते में हम लोग पे जो टक्कर मारी उसकी वजह से क्या ही बताऊं मैं आगे। तो ड्राइवर का भाई प्लेन निकल ना गया हो यार, मैं करूँ रुक जाओ उसका प्लेन। तो भाई सही हम लोग से रुका रहे समझा ले। मैंने ना लेस्टर फ्रैंकलिन को भी फोन कर दिया कि तुम लोग यहाँ जल्दी से आओ, उसे समझाओ इस बंदे को, इसका दिमाग सटक गया है पूरा पूरा। वो लोग भी बोल रहे हैं, वो लोग एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं, लेकिन मुझे पहले ड्राइवर को रोकना होगा। आगे तक नहीं दिख रहा भाई कहीं पे ड्राइवर। ड्राइवर भाई कहाँ है तुम, पार्किंग में तो गाड़ी नहीं लगाई इसने कहीं पे, पार्किंग तक में नहीं अपनी गाड़ी को, खैर यहाँ पे लगाते हैं और भागते हुए जल्दी से चलते हैं भाई। ये ट्रेवर करने भाई दिमाग खराब है पूरा का पूरा इसने, ये भाई पता नहीं सबको ना मरवा लेगा लेस्टर ट्रेवर फ्रैंक लेस्टर ट्रेवर। ये ट्रेवर खुद डूबेगा, हम सबको डुबा लेगा। वो जेल होगी ना भाई उमर खैद, या तो फांसी हो सकती है माइकल लेस्टर फ्रैंकलिन को, देव को, ट्रेवर को भी होगी भाई। अगर इसने वो हीरा निकाल लिया तो दिक्कत हो जाएगी। पहले तो भाई समझाना होगा, हम लोग जल्दी से चलते हैं। टिकट बुक करा तो अपनी सीट नॉर्थ जंक्शन के लिए मैं, तो ऐसे ट्रेवल ने पूरा दिक्कत वाला सीन कर दिया। खैर अभी माइकल तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुंच चुका है, राइट गाइस। तो माइकल यहाँ पे आके प्लेन में जाके बैठ चुका है। खैर भी ना यार हम लोग का प्लेन थोड़े टाइम में स्टार्ट हुआ होगी भाई, चालू हो चुका है प्लेन भाई, अब जल्दी से तू चल दे। ट्रेवल भाई पर्सनल जेट में गया और हम लोग इस प्लेन में जा रहे हैं, तो हम लोग को टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। और राइट गाइस मैं अपनी कार को लेके आ चुका हूँ नॉर्थ यंगटन के एयरपोर्ट से ग्रेवयार्ड के रास्ते पर। भाई साहब ना ट्रेवल पर्सनल जेट से गया तो वो तो दिन में पहुंच गया होगा, हम लोग को तो वो रात हो चुकी है आते आते। मुझे तो ये लग रहा है मैं ट्रेवल को रोक भी पाऊंगा, वो हीरा निकालेगा और भाग भी जाएगा ट्रेवल वहाँ से। खेल बिना हम लोग को उसकी दिक्कत नहीं है, हम लोग को दिक्कत ये है भाई कि बस ट्रेवल को ना वो गैंग ना पकड़ ले, दिक्कत हो जाएगी हम लोग के लिए, क्योंकि उस गैंग वालों को पता चल जाएगा माइकल ट्रेवल यहाँ पे आ चुके हैं भाई। अभी हम लोग ना सीधे कार को लेकर चलते, पूरा अंधेरा सा माहौल है चारों तरफ भाई, रात हो एकदम बर्फ। नॉर्थ यंगटन ना एकदम सुनसान इलाका है हम लोग की, नॉर्थ एकदम ना लॉस सैंटोस की तरह नहीं है भरा भरा। ये मैं गलत मोड़ मुड़ गया थोड़ा सा भाई साहब, ब्रेक लगाने में देख रहे ड्रिफ्ट काट गई पूरी कार, ब्रेक लगाने में ये हाल है नॉर्थ यंगटन में, इतनी भयंकर वाली बर्फ ये देखो यहाँ पे ठुक गई बिल्कुल ना भाई, कंट्रोल बिल्कुल नहीं है इस कार के, ऊपर से बर्फ। तो इस कार में अलग ही मजे हैं। चलो भाई ट्रेन ना आ जाए अब यहाँ से, वरना हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी। नहीं ना भाई चलो ट्रेन को रखो साइड में भी, तो भाई ट्रेवर को रोकना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई हम सबकी ना जान ट्रेवर के हाथों में, अब यही मान लो। भागो पहले तो भागो भाई जल्दी, पूरा ना ग्रेवयार्ड में ना एकदम भाई डरावना सा लग रहा है पूरा, क्योंकि पूरी जात रखी है इस वक्त को ग्रेवयार्ड में भाई। ये देखो अलग ही भाई डरावना सा माहौल लग रहा है पूरा का पूरा, माहौल देखने का कभी टाइम नहीं है अभी तो। जल्दी पहले ड्राइवर को रोकना होगा मुझे, पहले तो अपनी उस कवर में चलते। मुझे तो पता भी नहीं है भाई वो ग्रेवयार्ड मतलब ग्रेव कहाँ पे है, जहाँ पे भाई हम लोगों ने उस बंदे को दबा के रखा था, यहाँ पे इस बंदी की डेड बॉडी थी। खैर आगे की साइड पे, आगे की साइड पे ड्राइवर दिख गया मुझे। रुको यार इससे पहले तो समझाना पड़ेगा, जो खोदने भी लगा यार ड्राइवर भाई मान जाया कर कभी बात भाई, ये खोदने लगा इसे कोई कवर खोद डाली, बहुत सही भाई। ये ड्राइवर ना इस वक्त गुस्से में, किसी की सुनने वाला माइकल आ गया भाई से समझाने के लिए कि भाई तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ। ट्रेवर बोल रहा है कि तुम मुझे मत समझो मुझे क्या करना है, तुम लोग धोखेबाज हो सबके सब, सारा सामान तुम लोग ले लेते हो, मुझे कुछ नहीं देते हो, सिर्फ मुझे मेरा इस्तेमाल करते हो तुम लोग। माइकल बोला जी सब तुम्हें गलत फहमी है ट्रेवर, तुम ठंडे दिमाग से सोचो। ने ट्रेवर बोला कुछ सोचने का वक्त नहीं बचा, अब सिर्फ मुझे मेरा हक लेने का वक्त बचा। हरकत देखो भाई इसकी क्या ही भाई, वो तोड़ रहा है भाई ग्रेवयार्ड की जो भी वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हो। खैर ये हटा रहा है भाई उस ग्रेवयार्ड को, उस बक्से को खोल रहा है जो लकड़ी का बक्सा रहता है। माइकल बोला ठीक है निकाल लो तुम, शायद से ना माइकल लॉ ईयर जब तक ना लेस्टर फ्रैंकलिन भी आ सकते हैं यहाँ पे। वो किसने खोद दी ट्रेवर ने ग्रेवयार्ड की वो लकड़ी का जो भी बोलते हैं उसे। ये भाई साहब डेड बॉडी रखी है, ये क्या ड्रावना लग रहा है बंदा भयंकर भाई। ट्रेवर भाई अब तू हीरा निकाल उसमें से बस, और कोई सीन नहीं करना हम लोग को। अभी भाई उसके गले ही में रखा है बस, वो पॉकेट में या गले में कहीं तो रखा था, पता नहीं उस टाइम पे रखा था, 9-10 साल पुरानी बात है, 19-20 साल पुरानी, तो पता नहीं था। ट्रेवर बोल रहा है आखिर मैं ये क्यों नहीं लूँ, तुम लोग का हक थोड़ी ना इसमें। माइक बोला ये सब हम लोग का पार्टनरशिप है, ये बेचेगा तो सब लोग को पैसे आधे मिलेंगे। ट्रेवर बोल रहा है कौन से आधे पैसे, जितना सा तुम लोग ने लिया है ना अब तुम लोग को कुछ नहीं मिलना चाहिए, अब सब कुछ मेरा होगा। भाई ट्रेवर सटिया चुका है पूरा भाई, इसे ना किसी ने या तो गलत सहमी हो चुकी है या तो भाई इसे किसी ने हम लोग के खिलाफ भड़का दिया है भाई। ये ट्रेवर ना दिक्कत का सीन करेगा। माइकल इसे रोकने की कोशिश कर तो रहा है लेकिन भाई ये रुकने वाला नहीं है बिल्कुल इस वक्त पे। माइकल पूरा रुक रहे है, तुम ये क्या कर रहे हो अबे भयंकर, अब इन लोगों ने गंद बांध लिया एक दूसरे पे। अब आज अलग ही सीन हो रहा है, ये लेस्टर फ्रैंकलिन पता नहीं भाई कब में आएंगे, अगले टाइम में आएंगे क्या, यहाँ पे दोनों की डेड बॉडी बिछ जाएंगी तब आएंगे जी भाई साहब। ट्रेवर ने गन तान ली हम लोग पे। ट्रेवर भाई बात समझने की बात कोशिश कर थोड़ी भाई, ट्रेवर ना बात बिल्कुल नहीं समझ रहा है भाई, मानने मानने पे आ रहा है ये। माइकल भी नहीं समझ रहा भाई, माइकल को भी पैसे चाहिए क्योंकि भाई पैसे दो सबके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा बचेगा। हीरो जी बंदे आ गए लो, इनकी कमी थी भाई ये भी आ गए। ट्रेवर भाग गया यहाँ से, बहुत सही
ट्रेवर भाग गया यहाँ से, गैंग के बंदे आ गए, अब हम लोग के लिए दिक्कत का सीन हो गया भाई। टॉप इनकी कमी थी ये और आ गए भाई। अब भाई वो बोला दिक्कत का सीन हो रहा है, मुझे ना इन लोग से भागना होगा, मुझे भागना होगा, ट्रेवर तो भाग गया वहाँ से, अब मुझे इनसे भागना होगा। पिस्टल दे दी मेरे हाथों में, अब इससे मैं क्या ही उखाड़ लूँगा। एयरपोर्ट पर ना हम लोग से सारे हथियार ले लिए थे, बस एक पिस्टल ही मैंने छुपा के रख ली थी, तो वही नहीं ले पाई ये लोग। निकलो यार भाई, ये बंदे आ गए, इनके पास शॉट का नहीं है कि 47 लेके रखे हैं, मैं इस पिस्टल से मार रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे आराम से इनसे फाइट लेनी होगी, मेरे पास ना वेस्ट भी नहीं है इस वक्त पे, और ये लोग मेरी आधी हेल्थ ले जा चुके हैं। इस कवर में आते हैं सामने, मेरे ख्याल से ना बंदे नहीं है, तो जल्दी से ना AK-47 लेके आ जाता हूँ इस बंदे की। बहुत सही आ चुकी है भाई, गन मिल चुकी है हम लोग को। ठीक है आगे आके आओ, निकलो बंदे आगे आएंगे, इससे पहले मैं इन्हें डाउन करूँगा। ठीक है और आओ भाई साहब, बंदे तो हम लोग को पूरा घेर लिया है भाई, मुझे तो ये लग रहा है मैं बच पाऊंगा। ये लोग ना ग्रिप में गोली मार रहे हैं, तो वो भी टूट रही है ऊपर से, और हम लोग को सीधा हेड में गोली जाएगी भाई साहब। ये पता नहीं मुझे फ्रैंकलिन कब तक आएगा यार, पूरी ना सीन गलत हो गया, इनकी गैंग आ गई। लॉस सैंटोस में जैसे लॉस्ट गैंग है ना, वैसे सेम यहाँ की ये लॉस्ट गैंग समझ लो बस आप लोग। ये देखो भाई लुक की ना, पूरे भाई बंदे पूरे आ रहे हैं एकदम से, हम लोग क्या ही उखाड़ लेंगे इन बंदों के सामने। खेवी ना इस साइड का बंदा मार के ना, इस साइड का कवर सेपरेट करने की सोच रहा हूँ मैं, इस बंदे को मार दिया ना तो यहाँ का कवर सेपरेट हो जाए हम लोग के लिए। चलो यहाँ से आगे तू यहाँ, तू पहले तेरी ग्रिप तोड़ के तुझे मारूंगा। निकल सीधा हेड पे ले। ठीक है ये हो गया। ओबे दो बार आ गए वहाँ से भाई साहब, हम लोग ना घिर चुके हैं इस वक्त पे, एमओ भी नहीं बची हम लोग मेरी गन में, 18-10 एमओ बची है, मैं क्या उखाड़ लूंगा इनसे। चलो इन दोनों को मारा, 0 एमओ बच गए। पिस्टल की बारी आ चुकी है, पिस्टल में भी उतनी ज़्यादा एमओ नहीं है कि हम लोग निपट सकें उनसे। चलो इनकी ना एमओ मैंने पूरे लूट लिए जितनी भी यहाँ पे थी। खैर अभी ना मुझे एक अच्छे कवर में जाना होगा, जहाँ से मैं दोनों साइड का एरिया संभाल सकूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं इस कवर में रह रहा हूँ ना, तो मुझे दोनों साइड से पढ़ने के चांसेस हैं भाई, दोनों साइड से घलेंगे मुझे। इस साइड का बंदा मार के यहाँ का कवर सेपरेट करो पहले, तो ज़रा तू गया। ठीक है अब सामने की तरफ से जो बंदे उन्हें मारते हैं पहले, यहाँ पे इसका कवर लेते हैं आराम से। अब आओ भाई तुम, ये लो बैठ गए भाई, पूरी एचपी लगा, ये लो मेरी थोड़ी सी बच गई है, एक दो बुलेट की बस, वो और पड़ेगी तो मेरा गेम ओवर है बस। चलो भाई आगे चलो, अब जल्दी से आगे वाला भी एक कवर सेपरेट करो अपना। मैं क्या सोचूँ यहाँ से इन लोग को मारते हैं भाई, ये सही है, गेट से तो आएंगे तो हम लोग में घल सकती है। कितने हैं यार ये ये देखो भाई, 16-17 बंदे हैं इनके आराम से, और भी गाड़ियाँ आ रही हैं इनकी भर के भाई। मुझे यहाँ से ना एस्केप करना होगा, अगर मैं इनसे ना लड़ता रहा तो ये तो आती रहेंगे, इनके तो पूरा ही गैंग है, ये लोग तो आते रहेंगे, लेकिन मुझे तो इनसे बच के भागना है। मेरे पास इतनी दम नहीं है कि मैं इन सबको मार लूँ भाई, पूरे ना 100-150 बंदों की भी गैंग है। ये भी कम बोल दिया मैंने, और भी ज़्यादा होंगे। चलो यहाँ का ना जिस बच्ची बंदा भाई कुछ जान ही ना उंगली करता है, इसे मारो पहले तो। इधर आ भाई, तो ये मैं अभी बता रहा, इसे मारो ना, ये यहाँ का ये कवर हम लोग का ख़राब करता है। इधर आ, तो मैं पिस्टल से मारूंगा, एमओ दे अब तू जल्दी से। ठीक है भाई, एमओ में मिल चुके हैं अभी अपने AK-47 में, काफ़ी ज़्यादा एमओ भाई अभी तो हम लोग की गन में, तो सही है अभी 250 तक एमओ हम लोग के पास, तो सही है आराम से सीन। निकलो लो भाई, तुम लोग को निकलने का मौका नहीं देना मुझे, जैसे ही निकलोगे तुरंत मारूंगा। भाग माइकल भाग, जल्दी से ग्रिफ का कर लो। ठीक है अच्छी खासी फाइट हम लोग अभी ले रहे हैं इन लोगों से। खैर अभी ना मुझे फोन भी नहीं कर सकता फाइट के बीच में, मैं इसका कवर लो जल्दी से। इधर आ ये ले पूरी गन खा जा, तो पूरी AK-47 का रिकॉइल खा जा, कोई दिक्कत नहीं है तेरे लिए। चलो भाई अब यहाँ से निकलना होगा मुझे, क्योंकि ना इनकी कार आ चुकी है एक और भर के, हम लोग ना निपट नहीं पाएंगे इन बंदों से। निकलो, शॉट गन है मेरे पास खैर अभी पे, इनकी भाई कार आ चुकी है। मैं क्या सोच रहा हूँ, निकलो यहाँ से कि इनकी कार फोड़ो और निकलो यहाँ से, क्योंकि अगर ना भाई इनकी एक कार और आ रही है, उससे उन बंदों से निपट पाऊंगा मैं। ये फोड़ी, बहुत सही, इस बंदे की कार और फोड़ो, बोलने पर ऐसे रीलोड मारो। अब भाई कितनी गोली खाएगी, फूटी नहीं रही, 30 गोली खा गई पूरी, लेकिन कान नहीं फूटी। खैर अभी ना इस बंदे को जाके मानना होगा। इधर आ ठीक है, निपट गया। अब जल्दी से यार अपनी कार में चल के बैठते हैं, इन बंदों की एक कार और आ चुकी है, बहुत सही, इसका इंतजार, इसकी कमी थी, ये भी आ गई भाई, इनकी एक कार और आ गई। भाग जल्दी भागो बैठो भाई जल्दी बैठो निकलो भाई। अबे स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, अबे यार इस ड्राइवर ने वायर काट दी इसकी, ये अलग ही दिक्कत का सीन हो। उबे मुझे कहा हो गया बे यार, पकड़ लिया बंदों ने हमें, बहुत सही भाई, भयंकर। अब भाई माइकल को सरेंडर करना होगा इन लोग को। और राइट गाइस, तो अभी मैं फ्रैंकलिन बन चुका हूँ, क्योंकि हम लोग को ना माइकल को छुड़ाना है। तो अभी मैं पहले तो लेस्टर से बात करता हूँ कि भाई माइकल को पकड़ लिया उन बंदों ने, अब तुम कुछ तो करके छुड़ाओ, क्योंकि ट्रेवर तो हम लोग की मदद करने नहीं वाला, वो खुद यार माइकल का पूरी तरह से दुश्मन, माइकल का वो सबका दुश्मन बन चुका है, माइकल, फ्रैंकलिन, लेस्टर, देव, सबका। तो कह रहा अभी तो मैं पहुंचने वाला हूँ यार लोकेशन पे, जहाँ जिस लोकेशन का एड्रेस भाई ट्रेवर ने फ्रैंकलिन को दिया है, क्योंकि फ्रैंकलिन भी उससे बात करके कुछ समझाना चाहता है, ताकि भाई ट्रेवर शायद से समझे और मदद कर दे हम लोग को माइकल को बचाने के लिए। ये पता नहीं भाई लुक क्या लगी है यहाँ पे, जॉगिंग भाई दोपहर में इनकी जॉगिंग चल रही है। खैर यार ट्रेवर आ चुका है भाई, इससे सही पूछते हैं ट्रेवर से, उनसे बात करने में क्या लगा है भाई, ट्रेवर यहाँ तो उससे ज़रूरी बात करनी है। फ्रैंकलिन समझाए भाई, शायद से समझ में आ जाए, ओके भाई खुश मिजाज तो है, मूड तो सही है ट्रेवर का।
रवि अबे इसके भाई ये बंदा पागल है, जो भी बोलो पागल है बंदा, जाती था सीधा गिरा आते ही। चलो भाई अब भाई इसे समझाते हैं, ये बोला किस बात के लिए तुमने मुझे बुलाया, पहले वो बोलो हंसो मत। भाई फ्रैंकी भाई से समझा रहा है कि तुम मेरी बात, भाई ट्रेवर भाई गुस्सा हो गया, कह रहा तुमने कहीं मुझे माइकल की बात और अपनी बात के बारे में तुम बताया, तुम लोग गद्दार हो, तुम लोग ना चीटर हो। भाई बहुत सुना रहा है ये बंदा, बहुत बोल रहा हूँ, ये देखो भाई सुना ही जा रहा है। भाई फ्रैंकी मैं शांत होकर सुन रहा है, फ्रैंकी बोला पहले मुझे सुना दो तुम कितनी सुना रहे हैं। फ्रैंकी बोला भाई ठंडे दिमाग से काम लो थोड़ा, भाई शांत हो जाओ। ने ट्रेवर बोला शांत होने का टाइम नहीं है ये। फ्रैंकी बोला मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं तुम्हें मतलब पूरी प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा, लेकिन तुम एक बार शांत तो हो जाओ, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। ट्रेवर बोला मुझे तुमसे मदद की कोई उम्मीद नहीं है, तुम लोग सब चीटर हो, तुम लोगों ने सब चीज़ ले ली, मुझे एक चीज़ भी नहीं दी। ये भी भाई माइकल से जैसा इसने बोला वैसे ये फ्रैंकी के साथ भी व्यवहार करता है भाई, कुछ नहीं समझने वाला ट्रेवर। मैं बोला समझाने से बेकार, ये बोला मुझे मिलेगा क्या, मैं उस डायमंड को बेच, अभी इसने डायमंड को बेचा नहीं, यहाँ अभी निकल कहाँ पर आया था, अभी मंडी पे आ गया। अबे ये क्या बंदा है, मंडी पे आके देख रहे भाई सीधा। भाई ये पूरा गुस्से में इस वक्त ना समझाना ठीक नहीं होगा, मैं क्या सोच रहा हूँ लेस्टर को देव सबको बुलाते हैं, लेकिन उससे पहले माइकल की जान जरूरी है भाई। वो लोग माइकल को पता नहीं कहाँ पे ले गए होंगे ट्रेवर की वजह से। भाई साफ फ्रैंकी ना दूर से देख रहे भाई, ट्रेवर बोला मुझे तुम लोग से नहीं करने, मैं तुम लोग से दोस्ती तोड़ रहा हूँ, तुम लोग भाई धोखेबाज हो, पूरे धोखेबाज, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोग ने मुझे सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाया और कुछ नहीं कहा। फ्रैंकी भाई से ना आराम से मना रहा भाई, समझ जा समझ जा। देखिए भाई ये ट्रेवर ना समझने के मूड में भी नहीं यार बिल्कुल, देखो फेंक भाई कितना मना रहा है भाई, मान नहीं रहा ये ट्रेवर भाई, इसके अलग ही नाटक है। मान जा भाई ट्रेवर भाई, मान जा बस एक बार तो भाई, हम मैं खुद बोल रहा हूँ अरे मान गया ना ट्रेवर तो यार, सभी ना गिफ्ट कर देंगे कुछ कर, उसे भी पैसे दे देंगे यार, बोलो यार तो भाई 2-3 मिलियन पैसे दे देंगे भाई, हम सब लोग 2-3 मिलियन डॉलर आराम से, लेकिन तुम भाई थोड़े समझ तो जाओ। लेकिन समझ ही नहीं रहा भाई, फ्रैंकी कोई दम से समझा रहा है इसे, ये देखो भाई समझने के मूड में नहीं है बंदा इस वक्त पे। भाई साहब ये क्या है ट्रेवर यार, ये देखो कि रहा मैं नहीं समझने वाला, तुम लोग सब धोखेबाज हो, ये क्या करता है भाई इस बंदा। भाई ट्रेवर से उबे भयंकर, ट्रेवर से बहस करी उसने सिर्फ, और ट्रेवर ने उसे धर दिया, बहुत सही भयंकर, एक में लूट गया क्या, निपट गया बंदा। अबे चेक करते बंदा तो टपका दिया से, मैंने अभी लेस्टो कॉल लगा दिया। भाई ट्रेवर इतना गुस्से में था से लुड़ेल दिया एक ही में, बेलास लॉस्ट गैंग का बंदा था ये, या बेलास गैंग का है। अब भाई ये ट्रेवर ना अलग ही बंदा है, जो बंदा मार दिया इसने जिंदा, कोई लॉस्ट गैंग का अलग ही दुश्मनी लेता पड़ रहा है, सारी कीमत तो हम लोग को चुकानी पड़ेगी इन सब की। जा रहा भाई ट्रेवर लौटिया यार, खैर अभी ना ट्रेवर को मनाने का टाइम नहीं है। अब यार मुझे लेस्टर ने वीडियो भेजा है, अभी माइकल को पकड़ कर रखा है भाई, पूरे भयंकर इन लोगों ने भाई माइकल को पूरे पकड़ के रखा है। यही रहा भाई वो बंदा, ये बंदा दिख रहा है जो आप लोग को वाइट वॉल में, यही है वहाँ का नॉर्थ यंगटाउन का सबसे बड़ा गुंडा। इसी बंदे ने भाई माइकल से बोला है कि तुम लोग ने वो हीरा मतलब मुझे बता दिया, वो हीरा मेरा होगा। तो यार ये बोल रहा है कि माइकल को मीट कटिंग मशीन में डाल दो, अभी मीट कटिंग मशीन में डाल रहे ये लोग माइकल को, जहाँ पे मीट कटता है जिंदा जिंदा वो मतलब एनिमल को डालते हैं वहाँ पे इसे डाल रहे हैं माइकल को। भाई माइकल को टुकड़े हो जाएंगे, पहले तो बचाना होगा। लेस्टर ने खैर भी एक ऐप इंस्टॉल किया है मेरे मोबाइल में जो कि माइकल की ना लोकेशन ट्रैक करेगा हम लोग को, और उसी लोकेशन को फॉलो करना है। जल्दी से खोलो भाई इसे, ठीक है माइकल की लोकेशन, ओके भाई माइकल की लोकेशन अभी आ रही है सानू की तरफ पे, यानी कि इस रोड की, तो हम लोग को ना इस रोड को भी फॉलो करना होगा। भगाओ अभी पूरी गाड़ी भगाओ भाई, पूरी स्पीड में दिक्कत नहीं करनी हम लोग को इस वक्त ना, गाड़ी की स्पीड में पूरी खींचूंगी। लोकेशन अभी सानू की तरफ ही दिखा रही है और काफ़ी ना दूर दिखा रही है। ओबे भयंकर भाई सब एक्सीडेंट हो जाता हम लोग का, खैर अभी मुझे उसकी फिक्र नहीं है, अभी मुझे फिक्र है माइकल की, क्योंकि ना माइकल को जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं है उसे, बस माइकल निपट जाएगा अगर हम लोग जल्दी नहीं पहुँचे। भाई कितने दूर है लॉस सेंटोस के फैक्ट्री एरिया में, आगे मतलब पूरे लॉस सेंटोस के बाहर आ चुके हैं इस वक्त हम लोग फैक्ट्री एरिया पे, ओनलेट ऑल लीजिए ना राइट साइड हो चुकी है इस वक्त, तो मतलब हम लोग को राइट साइड लेना, राइट साइड भाई फैक्ट्री है एक, बस मुझे पता नहीं है कौन सी मीट कटिंग फैक्ट्री है, यहाँ पे सारी मीट कटिंग फैक्ट्री चालू हो चुकी है, एक ये रही साइड में और एक ये रही, और इसी की लोकेशन आ रही है अभी, लोकेशन यही आ रही मतलब यही है लोकेशन, तो यहीं की है, उतरना होगा यहाँ से। ठीक है फोन लगते हैं पहले तो अंदर, अपने वेपन निकालते हैं। अबे मुझे आवाज़ आ रही है, एक मिनट वेट, आवाज़ आ रही है बंदे, अबे वही बंदे खड़े हुए जिनने माइकल को किडनैप करा था, देखो वही बंदे खड़े हुए हैं, इन लोग को इधर आओ, तुम लोगों ने किडनैप कैसे करा, इधर आओ, तुम लोगों ने जानते हुए कौन है हम लोग, इधर आओ तुम लोग। भाई इन लोगों ने धूप से किडनैप करा था, वरना वहाँ पे का मेरे पास थोड़ी भी अच्छी गन होती ना, वहीं पे माइकल ने सलाह देता कि अभी निकालो भाई अपनी गन और इन लोग को मारना चालू करो। भाई कहाँ भटक रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मुझे अच्छी ग्रोजा निकाली मैंने, इधर आ अब जरा इसका स्वच्छ ग्रोजा का, खैर भी और आओ आते जाओ निकलो, इन्हें अलग ही उंगली है। चलो भाई बिल्कुल रुकने का टाइम नहीं है यहाँ पे तुम लोग के लिए, इन लोग को ना भाई दिखाते हैं आखिर इन्होंने पंगा किस बंदों से लिया है। मैं क्या सोच रहा हूँ ना, ये लोग नेट डाल देते हैं,
ताकि ये लोग थोड़े ना डाइट हो जाए, क्योंकि मैं इन लोग को मार नहीं सकता, लगातार फायरिंग करते हैं ये लोग मशीन गन से। ठीक है मैंने नेट तो डाल दिया है, सारे बंदे डाउन हो चुके हैं। अभी ये नहीं हुआ डाउन भाई, तू दो ही फूट जाता नेट से। चलो अभी आगे की तरफ और बंदे, हम लोग को उन पर फोकस करना होगा। इधर हेड दिखा रहा था, फिर हेड पे दिया। इधर उधर तुम भी आओ इधर आओ, निकलो। ये भी हेड दिखा रहे थे। चलो भाई मैं ना लगातार अभी रीलोड पे आ गई, बच गया भाई, बच गया रीलोड पे आ गई। शॉट गन लेके आ रहा बंदा, शॉट गन भयंकर भी कितनी गोली खा ले भाई सामने से। मैं क्या सोच रहा हूँ, ये वाली शॉट गन निकालो, ये काम में आएगी यहाँ पे। ये शॉट गन भाई अलग ही है, ये ना शॉट गन की बुलेट है इसमें, और एकदम ना मशीन गन की तरह चलती है, जैसे लोग असॉल्ट राइफल चलाते हैं सेम वैसी चलती है। इस बंदे को मारा एक शॉट, जे डाउन भाई। इसमें लावा में गिरा वो, पता नहीं कोई तो भाई बड़ा सा आग का टैंकर उसमें जाके गिरा, वो मर गया। खैर भी ना इस बंदे को मारना ये दिक्कत कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। निकल भाई, मैंने किसी बंदे से इतना ज़्यादा डैमेज नहीं लिया जितना इन बंदों ने मुझे डैमेज दे दिया है। शुरू में गेट आते टाइम बिल्कुल डैमेज नहीं लिया था, सामने की तरफ एक बंदा है। निकल भाई तू निकल, ये बंदा दिक्कत कर रहा है। इधर का आदमी यहाँ का कवर सेफ्ट करो पहले तो। ओके सामने की तरफ और बंदे आ चुके हैं। निकलो भाई, कह लो तो यहाँ का कवर लो आराम से, बिल्कुल दिक्कत नहीं ले रही है हम लोग को। आराम से फाइट ले रही है इन लोगों से, आराम से भी नहीं लेनी है भाई। माइकल को कभी मार, अभी उड़ा कैसे आप लोग देखा जी, उड़ा कैसे पता नहीं कैसे उड़ा। खैर अभी इन लोग को मारने का जरा जरूरी है हम लोग को। निकलो भाई तू भी निकल, ये भी आए, ये भी निकल, निकल मर जाओ मर जाओ, जान बहुत है यार। ये देखो ये भी आए और एक और आएंगे भी सामने से, आओ आओ तुम्हें भी बताएं हम। निकलो ये लोग सीधा तुम लोग बिना रीलोड के लो। चलो भाई अभी रीलोड कर चुका हूँ मैं अपनी पूरी गन को। खैर ना इन लोग को मारने में काफ़ी ना टाइम लग रहा है। चलो यार इन लोग को तो मैंने मार दिया, अभी आगे चल के एक बंदा आ रहा है, इसे भी मारो भाई। ये रेड टांग रखा माइकल को इन लोगों ने, बहुत से अच्छा माइकल को पिस्टल दे दी। अब दिखाता हूँ भाई इन लोग को, फैंकी तो पूरा घुस चुका है बंदों में। मैं भी ना बंदों को जितना इस पिस्टल से डैमेज कर सकता हूँ भाई उतना डैमेज करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अभी इन बंदों को पूरा डैमेज करा मैंने। चलो भाई जितने आते जाओगे सबको डैमेज दूंगा। निकलो तो एक बार फेंक, मैं ना उस बंदों का ध्यान भटका रहा हूँ और फेंक इन्होंने सीधा क्लियर कर दे रहा है। मारो भाई फेंक, बहुत बंदे आ रहे हैं भाई, इन लोग की ना गैंग है यहाँ पे। खैर अभी ना लेस्टर भी बंदे भेज रहा है, लेकिन लेस्टर बोल रहा है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा बंदे भेजने में, क्योंकि लेस्टर के बंदे भी भाई बिजी हैं यहाँ पे भाई। वैसे तो हम लोग इनसे आराम से निपट जाएंगे, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइकल को ये तोड़ सकता हूँ मैं, नहीं टूट रहा यार। चलो मुझे आगे के बंदे मारने जाना होगा शायद से, आगे ना बंदे वो माइकल पे एम करके, अगर माइकल को उन्हें मार दिया तो दिक्कत हो जाएगी हम लोग के लिए। कोई बंदा नहीं है, सीधे भाग के जाऊँगा, जो भी देखेगा ना भाई सीधा ना अंधा भाई एकदम ना स्प्रे कर दूंगा पूरा। निकलो आते जाओ भाई तुम लोग, सीधा स्प्रे लो पहले तो इस गन का। आओ चलो निकलो, कोई दिक्कत नहीं तुम लोग की भाई। चलो इसे तो पुण्य में घुसेड़ के मारा। अब यहाँ पे और कोई तो बंदा नहीं। अबे ये कहाँ से आया भाई, भाग के आयो सीधा फेंक को दबा लिया। अबे नहीं भाई फेंक नहीं पड़ जाएगा, मुझे ना इसे शूट करना होगा इस बंदे को। इधर यहाँ इसे ना माइकल से मारते हैं, ये मारी बुलेट निपट गया। ओके भाई सब सही टाइम पे मारा माइकल ने, अभी मैं भी अपने लॉक खुला लेता हूँ। आप बच गया भाई, पूरा ना गिरा है माइकल, काफ़ी ना घायल हो चुका है इस वक्त पे भाई। लोगों ने ना बहुत मारा माइकल को अलग ही भाई, देख रहे खून वून लगा हुआ है माइकल पे। शॉट गन मिल चुकी है मुझे अभी इस वक्त में, बस एमो नहीं मिले मुझे शॉट गन की। एक असॉल्ट राइफल और मिल जाए तो मज़ा आ जाए। हाँ चल तू, मैं आ रहा हूँ एक असॉल्ट राइफल दे दे भाई, फ्रैंकिन तो सही रहेगा यहाँ पे। अबे और बंदे हैं सामने की तरफ पे, रुको कवर लूँ इधर आओ एक शॉट में। अबे वो बंदा पता है कहाँ जाके गिरा, वो ये भयंकर वो सीधा जाके मीट के उसने गिरा, जहाँ पे भाई सीधा ना कीमा बन जाते लोगों का, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं पूरे। ये सोच लो ये बंदा निपटा। अबे इसमें शॉट गन का एम क्यों नहीं लग रहा, पागल है भाई ये बंदा। सामने तरफ एक बंदा आ रहा है, इसे डैमेज दिया शॉट गन से। रेंज नहीं है भाई उसकी, वो शॉट की रेंज नहीं है, लॉन्ग की रेंज है भाई सब शॉट। मुझे ना इस पर माइकल की एचपी बिल्कुल नहीं है, इसलिए रिक्स नहीं लेना है बिल्कुल। फिर भी ना फेंक ना आगे के बंदे अच्छी तरह की से मारते हैं, फेंक मार दे बस एक आधा 47 दिला दो, ये रही 47। अब दिखाता हूँ भाई, अब आओ ना तुम लोग, अब तुम लोग रुकने का नहीं सोचो, अब मैं मारूंगा फेंक बस पीछे खड़ा रहा है, सबको मैं मार के आ रहा। चलो भाई ये 47 हाथ में ना, सिर्फ 15 एमओ बचे, अब कितने एमओ, 6 एमओ बचे हुए। इधर आओ निकलो भाई तुम लोग, ये देख रहे हैं भाई सिर्फ भाई एक बार 47 हाथ में तो भाई फिर स्प्रे देखो मेरा। इधर आ तू निकल, तुझे तो छोटी शॉट गन लेके मारेगा मैं भाई साहब, ऐसी SMG गन लेके मारते हैं जैसे भाई शॉट गन वाले से निपट लेंगे। हेवी नान की कार में बैठ के निकलते हैं जल्दी से माइकल के घर पर। फेंकिन जल्दी आ जा भाई, अभी बंदे आ गए फेंकिन के पास, हमें उन्हें मारना होगा पहले तो। फेंकिन भाई तू जल्दी बैठ, मैं मार दूँगा, मैं मार दूँ तू जल्दी बैठ। ठीक है भाई फेंकिन बैठ चुका, जल्दी से भागते अपनी कार को माइकल के घर के लिए, क्योंकि यार इस बंदे के वो बॉस भाग चुका है, उसका बॉस को खबर लग गई ना तो अपने साथ और ज्यादा गैंग लेके आएगी। खैर अभी ये बंदे आ रहे हैं यहाँ पे, कहीं ये माइकल का घर ना देख लें तो उन लोग को ना टपकाना यहीं सही रहेगा। फेंकिन ना मारना चालू करें जल्दी से, इसे ना उड़ा देता हूँ ये गेट के साइड में ना, से उड़ा देता हूँ रिवर्स करके। चलो मर गया वो, ठीक है। अब जल्दी से भाई अपनी कार को भागते हुए चलते माइकल के घर पे, क्योंकि ना यहाँ पे रहना इस एरिया में रहना सेफ नहीं है इस वक्त बिल्कुल भी। वो भयंकर इस कार से भी भाई क्या ही मतलब कंट्रोल है इस कार की। चलो भाई जल्दी से पहले तो भागते हुए ले चलते हैं माइकल को उसके घर पे, क्योंकि ना इस वक्त काफ़ी ना हालत ख़राब है माइकल की।
और ड्राइड गेस अपनी कार को भाग हुआ थे आ चुका हूँ माइकल के घर पर, फ्रैंकलिन को भी लेके भाई, फ्रैंकलिन भी यहाँ से अपने घर निकल जाएगा। खैर अभी तुम्हें मैं माइकल को भाई हालत सही करनी है, क्योंकि माइकल की ना पूरी जान निकली पड़ी है इस वक्त पे। चलो भाई उतरो अब जल्दी से। ठीक है भाई आ चुके हैं फ्रैंक बोला ऑल राइट। भाई माइकल बोला थैंक यू तुम मेरा पूरा मतलब ख्याल रखने के लिए। फ्रैंक बोला ये तो भाई सब दोस्ती का था। माइकल बोला थैंक्स, लेकिन फ्रैंक बोला भाई ट्रेवर का क्या करें, ट्रेवर भाई दिक्कत कर रहा है पूरी पूरी। माइकल बोला क्या करना है ट्रेवर का, वो दुश्मन नहीं चाहता तो हम लोग भी करेंगे। अबे यार फ्रैंक बोला ट्रेवर ने तुम्हारे साथ ये करा, तुम्हें मतलब कैद किया। लेकिन माइकल भाई माइकल बोल रहा है, माइकल पलट गया। माइकल बोला है कि ट्रेवर देखो यार ट्रेवर की भी अपनी जगह पे सही हैगा कि उसे हम लोग ने कुछ नहीं दिया यार, 20-25% दिया उसमें उसका क्या, और हम लोग ने पूरा 100% रखा। तो फ्रैंकलिन भाई बोल रहा है कि उसने तुम्हें पकड़ के रखा, गुंडों के हवाले कर दिया, धोखा दे दिया तुम्हें, तुम फिर भी उसकी उसी की तरफदारी कर दो। लेकिन माइकल बोला है भाई तुम मेरी बात मानो, हमारा दोस्ती उसे एक बार मनाने की आखिरी कोशिश करके देखते हैं। फ्रैंकलिन बोला है अब कोई कोशिश का जरिया नहीं बचा है, अब कुछ नहीं हो सकता। ट्रेवर को दुश्मनी चाहिए तो उसे दुश्मनी ही मिलेगी, उसे अगर गैंग साथ मिलाना है तो वो मिला ले, लेकिन हम लोग भी अपनी तरफ से पूरे तैयार हैं उसके लिए। माइकल भाई समझा रहा है फ्रैंकलिन को, ट्रेवर भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन फ्रैंकलिन समझ नहीं रहा है यार। माइकल को देखो तो भाई क्या ही मतलब, बंदा का कितना बड़ा दिल है माइकल का, तो वो समझा रहा है भाई खुद उसके साथ, माइकल के साथ इतना बुरा हुआ फिर भी वो ट्रेवर को भाई कुछ नहीं बोला, ये गलत नहीं बोला उसने ट्रेवर को। लेकिन फ्रैंकलिन भाई बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त पे कि ट्रेवर को ये आखिरी मौका भी देना चाहिए। माइकल बोला कि एक आखिरी मौका ट्रेवर को देखे, देखो एक बार बस हम लोग उसे मनाने की कोशिश करेंगे, अगर मानेगा तो ठीक है वरना नहीं। फ्रैंकलिन भाई इस बात में पूरा हाँ कर दिया, फ्रैंकलिन ने भी मन नहीं है फ्रैंकलिन का ट्रेवर को दोबारा मनाने का, लेकिन फिर भी माइकल के कहने पे मान गया फ्रैंकलिन। ट्राई करके देखेंगे एक बार ट्रेवर को, अगर मान जाए यार तो सही है ना हम लोग को, उसे भाई बताएंगे समझाएंगे उसे भाई पार्टनरशिप में थोड़ा ज़्यादा पैसे देंगे ताकि वो बंदा शांत हो जाए, क्योंकि ना ट्रेवर थोड़ा गुस्से वाला बंदा है, इसलिए उसका दिमाग ही ना सनकी टाइप का है, समझता नहीं है किसी की, एक बार गुस्से में आ जाएगा। चलो भाई अभी माइकल पूरा तैयार हो चुका है, मुंह धो गए भाई से ना काफ़ी गंदी लगी थी माइकल को, देखो अभी तक ना निशान पड़ी हुई है इसके चेहरे पे। खैर भाई जल्दी चलते हैं भाई साहब माइकल के घर से भी, भाई सारे लोग यहाँ पे जा चुके हैं, पता नहीं कहाँ पे गए हैं सब लोग। या भाई दिक्कत का सीन होगा, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मनाने की कोशिश करेंगे ट्रेवर को, मान जाए उसके लिए गिफ्ट वगैरह ले जाएंगे सुपर कार, हम लोग ना रोबरी करेंगे साइस ट्रेवर के लिए जिसमें भाई वो ट्रेवर मान जाए। ठीक है आज के इस वीडियो में इतने मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। ठीक है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और आप लोगों में कमेंट में बताना हम लोग को ट्रेवर को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, एक बार उसकी तरफ या दोस्ती का हाथ बढ़ा के देखेंगे, अगर ट्रेवर मान गया तो ठीक है वरना भाई वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते।